हाँ जी, सेवेंथ क्लास। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और आई होप कि आप सबने इंट्रोडक्शन के जो 7-8 पॉइंट्स थे वो आपने सब फेयर नोटबुक में उतार लिए होंगे, बहुत साफ सुथरे ढंग से काम किया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री वाले जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का, इस 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज करो एक एंगल 20 डिग्री दे रखा है और दूसरा एंगल एक्स है, आपको इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, और जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री। इस तरह से आप सपोज कर लो, ठीक है। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक एंगल दे रखा है, एक एंगल नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा एक्स मतलब दूसरा एंगल आ जाएगा। तो इसमें भी वही करना है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, ये मेरा एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब देखो 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है। इसी तरह से एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री और एक एंगल दे रखा है एक्स, और दोनों को प्लस करके मुझे दोनों को प्लस करके मेरे को कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो 63 डिग्री तो दे रखा है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, एक्स को यहीं छोड़ दूंगी और 90 माइनस 63, तो एक्स मतलब जो कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, एक्स मेरा कितना आ जाएगा, एक्स मेरा आ जाएगा 27 डिग्री। आप इस तरह से भी कर सकते हो तो भी ठीक है, इस तरह से कर सकते हो तो भी ठीक है, ठीक है। वैसे ये वाला जो पैटर्न रहता है बेस्ट पैटर्न है। अब इसी तरह से 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री एक दे रखा है और प्लस मैं क्या करूँगी, एक्स कर दूंगी, तो 90 डिग्री आना चाहिए दोनों को प्लस करके। अब एक्स को यहीं छोड़ दूंगी तो मेरा 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो मेरा आंसर आ जाएगा 33 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी सेवेंथ क्लास, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाला था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, बट उसका सम हो जाता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब किसी दो एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब 105 एक एंगल हमें गिवन है और प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक्स को मैं यहीं छोड़ दूंगी और 180 में से ये वाला 105 जो है माइनस कर दूंगी, तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर 87 डिग्री गिवन है, तो 87 डिग्री का एक एंगल दे रखा है और दूसरा एंगल मैं एक्स मान लेती हूँ, और इसका भी सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम इसमें एक्स को यहीं छोड़ देंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 87 डिग्री, तो मेरा आंसर आ जाएगा 93 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एक एंगल गिवन है मुझे 154 डिग्री और माइनस प्लस करेंगे एक्स कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एक्स को यहीं छोड़ूंगी, 180 डिग्री में से 154 माइनस करूंगी तो मेरे पास एक्स की डिग्री आ जाएगी 26 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हाँ जी सेवन्थ क्लास, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का ही बताना है इसमें भी, तो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। ये रहा हमारा क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 में वो बोल रहा है आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब ये पेयर्स दे रखे हैं हमें 6 पार्ट्स के, इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में कितना आना चाहिए, 90 डिग्री दो एंगल्स को प्लस करके, और सप्लीमेंट्री में कितना आना चाहिए दो एंगल्स को प्लस करके, 180 डिग्री। अब हमें दोनों एंगल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक एक एंगल निकालना था, अब हमें दोनों एंगल्स दे रखे हैं। दोनों एंगल्स का मतलब है कि दोनों को प्लस करके बताना है कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, तो मैं दोनों को प्लस करना शुरू करती हूँ। 65 डिग्री
प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करके मेरा आंसर 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आप पूरा लिखना सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेलिंग है, यहां पर करूंगी 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहां पर 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री दोनों को प्लस करा तो मेरा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल्स हो गए 180 डिग्री हैं, तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से यहाँ पर 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री आंसर आया तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से आप ये दो पार्ट्स जो हैं होमवर्क में करोगे, और होमवर्क में करने के बाद मुझे मैसेज करना, कोई डाउट हो कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। हाँ जी, सेवन्थ क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वो, फाइंड द एंगल, एक ऐसा एंगल फाइंड करो विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, ऐसा फाइंड करना है हमें दूसरा एंगल। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे जो निकालना होता है, पीछे हमने चैप्टर 4 में क्या किया था कि जो निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल, जो भी हमें रिक्वायर्ड एंगल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, तो हम रिक्वायर्ड एंगल लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। x डिग्री मान लिया मैंने जो मुझे एंगल चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, 90 माइनस एक्स इसलिए लिखा कि अगर 90 में से कुछ भी माइनस करूंगी, कोई भी एंगल माइनस करूंगी, तो वो मेरा कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों को जब प्लस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसलिए तो अब जो है उसको क्या लिखना है हमने, 90 माइनस एक्स मतलब एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब कोई दो एंगल्स को प्लस करूंगी मैं तो इक्वल्स टू कितना आना चाहिए मेरा 90 डिग्री, वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। अब ये हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x को यहीं छोड़ूंगी, ये हमने चैप्टर 4 में अभी करा है पीछे ऐसे वैल्यूज निकालने वाला काम। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 45 डिग्री। तो मेरा रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री था जो कि मेरा आ गया 45 डिग्री, क्योंकि 90 में से 45 माइनस करूंगी तो 45 आ जाएगा, और 45 प्लस 45 करूंगी तो मेरा 90 डिग्री आ जाएगा, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। हाँ जी, सेवन्थ क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का, और सेम उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, वहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल्स निकाला था, यहाँ पर हम सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे, सेम वैसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमने करना है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू एक्स डिग्री। ठीक है, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करूंगी मैं तो मेरा वो एंगल आ जाएगा। तो क्या होगा कि दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दो एंगल को हम प्लस करेंगे तो मेरा 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि वही मेरा सप्लीमेंट एंगल
बनाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल की डिफाइन यही थी कि दो एंगल को प्लस करो और इक्वल्स टू में 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया दो एंगल को प्लस करना है और उसके बाद 180 डिग्री आना चाहिए। ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा और यहाँ x को छोड़ देंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। तो मेरा रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 करूंगी 180 हो जाएगा और 180 में से माइनस एक्स करूंगी तो मेरा 90 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल मेरा 90 डिग्री आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा पूरा हो जाता है।